हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बेल का शरबत। यह शरबत बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। बेल का शरबत गर्मी में जरूर पीना चाहिए दोस्तों। बेल का शरबत शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है, इसे आप सब जरूर बना कर पिए दोस्तों। बेल का हम सारा ऊपर का पार्ट निकाल देते हैं। दोस्तों इसे हमें सावधानी से निकालना है, नहीं तो ये हाथों में हमारे चुभ सकता है दोस्तों। अब इसे हम एक बाउल में रखते हैं दोस्तों। ये हमारा बेल बहुत नरम है, हम हाथों से फोड़ देते हैं दोस्तों। अब इसमें हम 3 गिलास पानी डालते हैं दोस्तों। पानी इसमें हम ठंडा डालेंगे, सादा पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडा पानी डालेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा दोस्तों। इसे हाथों से हम अच्छे से मिल्ड कर देते हैं दोस्तों। जो हमारा ऊपर का पार्ट बचा हुआ है, अब इसका मटेरियल हम चम्मच के सहारे निकाल लेते हैं। इसे भी हम हाथ से मिल्ड कर देते हैं अच्छे से दोस्तों। हमने इसे मिक्स कर लिया है, ये हमारा गाढ़ा लग रहा है। अब इसमें हम 1 गिलास पानी डालकर इसे पतला कर लेते हैं। इसे हम छानना शुरू करते हैं। छानने के लिए हम एक चलनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों अब हम चम्मच के सहारे इसे हिला देते हैं दोस्तों। चम्मच के सहारे हम इसे करते जाएंगे, सारा रस हमारा गिरता जाएगा। सारा ऐसे रस हम छान के तैयार कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें हम 3 चम्मच चीनी डालते हैं दोस्तों। चीनी को आप सब पीस कर भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ा मिला देते हैं। इसके बाद हम 1/2 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर इसमें डालेंगे। इसके बाद 1/2 चम्मच अजवाइन भुना हुआ पाउडर इसमें डालेंगे। ये हाजमा के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद 1/2 चम्मच काला नमक इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा इसमें से जीरा हम बचा लेंगे, बाद में डेकोरेशन के लिए हम रखेंगे। अब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं ताकि हमारी चीनी अच्छे से घुल जाए, सारी चीज हमारे अच्छे से मिक्स हो जाए दोस्तों। शरबत हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है, आप सब देख सकते हैं। अब हम 1 गिलास में डालते हैं। दोस्तों गिलास में निकाल के हमने रेडी कर लिया है, आप सब देख सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम थोड़ा जीरा ऐड करते हैं दोस्तों। बेल का शरबत झटपट बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है दोस्तों। गर्मी में इसे जरूर बनाकर पिए, आपका मूड दिन भर फ्रेश रहेगा। हमारा बेल का शरबत आप सबको कैसे लगा कमेंट करके हमें जरूर बताना दोस्तों। इसे बनाना कितना आसान है दोस्तों, इसे बनाइए, पीजिए और एंजॉय कीजिए। और बनाने के बाद अपना अनुभव हमारे चैनल पर जरूर शेयर करना। अब हम मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।